आप नरेंद्र भाई मोदी से कैसे मिले और कैसे अभी तक का आपका साथ रहा उनके साथ, थोड़ा बताएं। मैं बहुत छोटा था, करीब, तो तब से मैं बड़े भाई से मिला हूँ। बड़े भाई ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। बड़े भाई ने करीब मुझे पढ़ाई के लिए बहुत अच्छे जगह पे रखे, जो अच्छी फैसिलिटी थी वहाँ पे। तो करीब मैं 5वीं से लेकर के 12वीं तक पढ़ा, तो उसमें बड़े भाई ने मेरे लिए बहुत ख्याल रखा है। 5वीं में, 6ठी में, जो जो भी मैं जितना भी पढ़ाई करता जाता था, तो पढ़ाई करते करते हर एक सब्जेक्ट में, हर एक एग्ज़ाम में, हर एक क्लास के एंड एंड एग्ज़ाम के जो रिजल्ट होते हैं, वो भी हमें मुझे पूछा करते थे। तो एंड एग्ज़ाम की तो हाँ बड़े भाई पूछेंगे ही, लेकिन उससे भी बेहतर कि वो बड़े भाई मेरे लिए जब भी हम, मेरा वीकली एग्ज़ाम होता था, तो वीकली एग्ज़ाम का भी मेरा रिजल्ट वो पूछते थे मेरे से कि हाँ वीकली रिजल्ट आया है तो क्या आया है। तो उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया और अच्छे संस्था में रखे। वहाँ पे स्कूल टाइम में मैं करीब 5वीं से 12वीं तक पढ़ा, उसमें बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना गुजरात में रह करके। और बड़े भाई ने हमेशा यही कहा है कि जीत जो करना है कर, लेकिन सबसे पहले पढ़ाई, और अगर तू पढ़ेगा तो तू कुछ अच्छा कर पाएगा। नरेंद्र भाई को आप बड़े भाई बोलते हैं जी बड़े भाई शुरू है, से। हाँ। और जो भी ये है कि आज के दिन में जो पूरे दुनिया वाले जानते हैं कि हाँ नरेंद्र भाई मोदी, बट वो मेरे लिए बड़े भाई समान है, बड़े भाई है मेरे। कि आज तक भी जो भी किया बड़े भाई ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, और अगर बड़े भाई ने मेरे लिए इतना कुछ नहीं किया होता, तो शायद मैं जिस जगह पे अभी मैं हूँ, करीब मैं बीबीए कर रहा हूँ अभी, तो बीबीए करना नामुमकिन था मेरे लिए। आपने बोला कि आपका साथ देते थे, आपको सपोर्ट करते थे हर बात पे, थोड़ा सा उसके बारे में कुछ बताइए। क्या क्या कहते थे तो आपसे, कब ये बोलते थे, पढ़ाई कि के बारे में क्या बोलते थे आपको? पढ़ाई के बारे में मैंने आपको बताया कि हाँ अब एग्ज़ाम आते, एंड एग्ज़ाम में तो कोई भी रिजल्ट पूछेंगे ही, लेकिन उससे भी बेहतर अब वीकली एग्ज़ाम के जो भी है, अब पेरेंट्स होते हैं तो पेरेंट्स देखेंगे कि हाँ वीकली एग्ज़ाम है, हुआ है, ये कितना आया मेरे बच्चे का। तो उसी तरह के अपने छोटा बच्चा है, खुद का बच्चा, उस तरह से मेरे बड़े भाई ने मेरे लिए केयर किया है। यहाँ तक कि जब मैं घर से इतना दूर रहा, तो करीब 15-20 साल हो गए बड़े भाई के साथ, लेकिन आज तक ये उन्हें नहीं दिया कि हाँ मैं घर से दूर हूँ, कभी नहीं उन्हें दिया। यहाँ तक कि मैं बीमार होता था तो खुद आकर के पूछते थे हाँ क्या हालचाल है, सब ठीक है, नहीं हाँ ये तकलीफ है, ठीक हो जाएगा। और साथ में मुझे कुछ भी तकलीफ है वो खुद नहीं आ पाते, तो कहीं ना कहीं से किसी न किसी द्वारा के मेरे, हाँ मुझे ख्याल रखने के लिए किसी न किसी को भेज देते थे, कहाँ ये मेरा बच्चा है, मेरा भाई है, मेरा बच्चा है, इसको ख्याल रखो। तो करीब मैं 12वीं में तक पढ़ा, तो वहाँ पे बहुत कुछ सीखा, इसमें खास करके स्पोर्ट्स के मामले में, करीब फुटबॉल, कुश्ती, वॉलीबॉल, खो खो, और खास करके तो वहाँ पे मेरे संस्था में ऐसा था कि हॉर्स राइडिंग, करीब 20-22 घोड़े हैं, तो उसमें एक भी ऐसा घोड़ा नहीं होगा कि मैं नहीं चलाया होगा। और आज के दिन में भी आप कोई भी घोड़ा, आप अभी भी आप मेरे को कोई भी घोड़ा दो, अभी मैं आराम से चला लूँगा, जिस तरह से मैं स्कूल के टाइम में चलाता था। ठीक, मैंने आपके बारे में कुछ पढ़ा थोड़ा कि आप पिछले साल अपने माँ बाप से मिल पाए, जी मोदी जी ने आपकी इसमें काफी मदद करी है, मेरे को ऐसा सुनने में। जी कैसे उन्होंने ढूंढा आपके पेरेंट्स को? एक्चुअल मैं जब मैं छोटा था, तो करीब मेरे बड़े भाई ने कभी मेरे को एहसास नहीं होने दिया कि घर का और ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, घर के कमी होने नहीं दिया मुझे। तो मैं तो चाहे जैसा भी, मैं बहुत खुश था, बड़े भाई इतना ख्याल रख रहे तो मैं तो खुश ही रहूँगा। तो फिर भी बड़े भाई के मन में यूँ होता था कभी, जब भी मैं देखता था उनको, तो मुझे भी लगता था कि हाँ बड़े भाई के मन में कुछ ना कुछ है कहाँ, लेकिन बड़े भाई मेरे को कुछ नहीं कह रहे, उनके मन में कुछ ना कुछ तो है। तो बड़े भाई ने सोचा, बहुत सोचे होंगे, और सोच करके कहीं ना कहीं से किसी भी तरह से किसी भी हाल में इस बच्चे को अपने परिवार के साथ मिलवाना है। तो बड़े भाई ने किसी तरह से मेरे परिवार का ढूंढ दिया, और करीब 2 साल पहले मैं
अपने परिवार के साथ मिला, मम्मी से मिला, भाई से मिला, पूरा परिवार वालों से मिला और गांव वालों से मिला। तो करीब बड़े भाई ने घर से जब पता किया कि हाँ अपने परिवार के बारे में, मेरे परिवार यहाँ पे है और उनका बच्चा यहाँ पे है, तो घर से मेरे मम्मी ने एक बताया कि बड़े भाई को कि हाँ ये बच्चा आपके पास जो है वो मेरा बच्चा है। तो मेरे बड़े भाई ने चलो आप कह रहे हो आपका ये बच्चा है, चलो ठीक है, लेकिन क्या थोड़ी मैं ऐसे मानूंगा, बड़े भाई ने ऐसे बोला। तो बड़े भाई ने वहाँ से कुछ ना कुछ बोला कि आप बताओ कि हाँ ये आपका ही बच्चा है करके मेरे को प्रूफ करो। तो मम्मी ने और मेरे परिवार में सारे को अपने बच्चे का तो ख्याल होगा ही कि हाँ ये है मेरे बच्चे का, ये है ये 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 पहचान है। तो मेरे मम्मी ने करीब मेरे सोच करके फिर मेरे बताया कि हाँ मेरे बच्चे के लेफ्ट लेग में, लेफ्ट पाँव में करीब दोनों पाँव ये जॉइंट है। तो मेरे मम्मी ने वहाँ से बताया कि मेरे पाँव बच्चे के लेफ्ट लेग में दोनों पाँव दो उंगलियाँ जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ से पता किया कि हाँ बड़े भाई ने को ये पता चला कि हाँ भाई के दो पाँव जुड़े हुए हैं। तो बड़े भाई ने मुझसे बात किया कि हाँ भाई ये तेरा लेफ्ट पाँव में दो उंगली जुड़ा है क्या? तो एकदम मैं ज़बरदस्त सोचने में पड़ गया कि ये बात मेरे बड़े भाई को कैसे पता। तो फिर तो बड़े भाई ने बोला कि कोई बात नहीं, ये अपने परिवार से आया है, तुम्हारे मम्मी ने मेरे को ये बताया कि हाँ ये मेरे बच्चे की खासियत है कि हाँ मेरे भाई बच्चे के दो पांव जुड़ा है। तो तब मेरे को एकदम ऐसा लगा कि हाँ सही में मेरे घर परिवार वाले मिले और मेरे बड़े भाई ने मेरे परिवार वालों को मिला दिया। जीत कल प्रधानमंत्री नेपाल जा रहे हैं, क्या आप उनके साथ जाना चाहेंगे? क्या आपको ले जा रहे हैं साथ? क्या आप उन पेरेंट्स से मिलेंगे वहाँ पर जाकर? एक्चुअल में अभी मैं बीबीए का पढ़ाई कर रहा हूँ, तो अभी मेरे को एक मैसेज मिला कि हाँ जीत तुम्हें भी मेरे साथ अभी जाना है, आना है। तो बड़े भाई अभी नेपाल जा रहे हैं, तो खुशी की बात था, लेकिन और भी उससे भी ज़्यादा खुशी ये है कि उनका एक मैसेज आया कि हाँ जीत तुम्हें भी मेरे साथ जाना है, नेपाल मिलना है अपने परिवार वालों के साथ। तो आज तक जितने भी मैंने जो भी अचीव किया है, अचीवमेंट किया है, उनमें से सबसे बड़ी ये अचीवमेंट है कि आज मेरे बड़े भाई और मेरा रियल जो फैमिली है, परिवार वाले हैं, उनसे मिलने जा रहे हैं। और मेरे बड़े भाई पहली बार इतना 2 साल के बाद मेरे परिवार वालों के साथ मिलने वाले हैं। तो जितना खुशी मुझे है उतना ही खुशी मेरे परिवार वालों को है कि हाँ मेरे बड़े भाई जो मेरे छोटे बच्चे को संभाला है, इतना बड़ा किया है और इतना बड़ा बनाया है, वो जो मेरे बड़े भाई है उनसे मिलने जा रहे हैं। तो मुझे खुशी है कि इतना साल के बाद बड़े भाई नेपाल आ रहे हैं और नेपाल में मेरे परिवार वालों के साथ मिल रहे हैं। अब प्रधानमंत्री जी नेपाल जा रहे हैं, आप क्या चाहते हैं उनसे? क्या वो बात करें वहाँ जाके लोगों से, नेपाल के लोगों से? कोई आपका ओरिजिन रहा है इस बात में? क्या बड़े भाई है तो बड़े भाई है, तो अपनी तरीके से जो भी बोले वो मेरे लिए बहुत कुछ है। उन्होंने जो बोला बेस्ट, वो बेस्ट है। कुछ फोटो है मेरे पास, इन तस्वीरों को जरा प्लीज कैमरे पे दिखाएं। जी बिल्कुल। ये फोटो है जब मैं स्कूल लेवल पे था, तो करीब मैं ये कुश्ती का है। नेशनल लेवल पे करीब मैं हरियाणा आया था, तो नेशनल लेवल पे खेलने गया था, तो ये उसका है। ये आप पीला देख रहे हो, ये कुश्ती का मैट है और ये यहाँ पर कैमरा पे देखेंगे। ये कॉलेज टाइम का है, कॉलेज में करीब कोलार जो ड्राइंग कंपटीशन था, उसमें एक टॉपिक दिया गया था हमें, दो टॉपिक के, सेव वाटर और सेव अर्थ। तो ये एक सेव अर्थ और सेव वाटर के बारे में है, तो उसमें करीब मेरा ग्रुप का फर्स्ट नंबर आया है।
और ये कॉलेज के फुटबॉल टीम का है, करीब मैं इसमें कैप्टन हूँ। और करीब कॉलेज को स्टार्ट होते हैं करीब सिर्फ अभी 2 साल हुआ है, 2 साल में करीब मेरे टीम इस बार खेल महाकुंभ और गणपति यूनिवर्सिटी जो इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन होता है, करीब इस इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन में करीब 32 यूनिवर्सिटी आए थे। 32 यूनिवर्सिटी में से करीब मेरे कॉलेज का करीब अभी थर्ड रैंक आया है, जो 2 साल में इतना ही, जो कि 32 यूनिवर्सिटी जो काफ़ी पुरानी है हमारे से, तो भी हमने फुटबॉल टीम को एक इतना अच्छा जगह पे पहुंचा है, तो फुटबॉल का मैं भी अच्छा प्लेयर हूँ। और ये स्कूल लाइफ का है, स्कूल लाइफ में करीब हॉस्टल में रह करके मैं हॉर्स राइडिंग, फुटबॉल, कुश्ती वो तो सीखा सीखा, साथ में इंडिया का कहते हैं ना एक योगा, खास इंडिया से गिना जाता है, पहचाना जाता है योगा का, तो करीब मैं भी हॉर्स राइडिंग जितना जानता हूँ उतना ही योगा जानता हूँ, तो एक योगा की फोटो है। और ये कॉलेज का डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, उसमें करीब ग्रुप कंपटीशन था, तो 5-6 कंपटीशन था, उसका ये फोटो है। और एक ये कॉलेज का थोड़ा एंजॉयमेंट का है, एंजॉयमेंट तो ये फोटो है कॉलेज का। जीत, आपने काफ़ी जीत हासिल की लाइफ में जी और मोदी जी ने आपका पूरा साथ दिया है इस जी जीत में। हाँ आपको और शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से बढ़े और आगे बढ़े। जी जी धन्यवाद।